took about 15 years to build from 1906 to 1921, and it turns 100 years this year. The building has 25 galleries, and for 2 years now, the building will be devoted to an exhibition on Netaji Subhash Chandra Bose. The exhibition shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage point of Netaji Subhash Chandra Bose as the central character. There are 125 stories of Netaji, and that celebrates the 125 years of his magnificent life. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और संस्कृति मंत्री और तमाम गणमान्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल के उत्तरी द्वार से इस प्रांगण में प्रवेश उन्होंने किया और यहां पर पराक्रम दिवस जो कि भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा तो आज पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं इंडीड प्राइम मिनिस्टर द ग्रीटिंग performers who will be performing at a cultural event later in the day, greeting everyone who is going to be part of this wonderful celebration, which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle. And here the Prime Minister is entering the exhibition hall. Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers and it has remained since then. And he inspired great deal of courage. And that is why today is being called Parakram Diwas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Netaji ki तस्वीर के सामने पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत की आजादी उन्होंने कहा मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहां रहेगी प्राइम मिनिस्टर हैज एंटर्ड द एग्जीबिशन हॉल एंड ही पास्ड अ फ्रेम व्हिच शोड जय हिंद रिटन इन बंगाली एंड We must remember the importance of the word Jai Hind. It comes from the Indian National Army, was made popular by Subhash Chandra Bose and has been adopted, of course, by India and the government of India. Jai Hind. It dates back to a statement made by Subhash Chandra Bose, which refers to the duty of the people of the country to pay for freedom with blood. The freedom that we win through our sacrifices, we shall be able to preserve with our own strength. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. Victoria Memorial mein jis pradarshani ko ayojit kiya gaya hai, jo pradarshani yahan par Netaji se
जुड़ी जिस प्रदर्शनी को यहाँ शुरू किया गया है उसका शीर्षक, उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष। ये प्रदर्शनी 2 वर्ष तक यहाँ रहेगी और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी तमाम स्मृतियाँ संजो कर रखी गई हैं। यह प्रदर्शनी एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है जहाँ नेताजी के बारे में बहुत खास 125 जानकारियाँ जुटाई गई हैं, क्योंकि आज से नेताजी की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियाँ जुटाई गई हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, बहुत सी जानकारियाँ सवाल जवाब में दी गई हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने कब नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया था? और उसका उत्तर आपको यहां प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किया और टाइम मैगजीन का वो मुख पृष्ठ आप यहां इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? और उसका जवाब भी आपको यहां इस प्रदर्शनी में मिलेगा और उत्तर है 197। इस तरह की तमाम जानकारियां नेताजी के बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। Indeed, this exhibition is being put in place so that the youth can be inspired to act with fortitude and have patriotic fervor, much like the indomitable spirit and selfless service to the nation of Netaji Subhash Chandra Bose. The word fortitude is another word for strength, but it comes from the strength of willpower and the strength of the mind, which gives strength over all challenges, to overcome all challenges. There are several stories that one can see of Netaji's life in this exhibition, and many artifacts have been very well preserved and displayed. Amongst them is the election of Netaji in 1938 as the President of the Congress and the Declaration of Independence on January 26, 1938 on this day, and the people, tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. मुझे लगता है कि नेताजी के वो नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं, वो सभी के लोकप्रिय नेता थे और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले। उनके बारे में एक एक जानकारी संजो कर रखी गई है अंदर। आज़ाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, इस तरह की जानकारी भी है वहाँ पर उपलब्ध है देश प्रेमियों के लिए, नेताजी के प्रेमियों के लिए, कोलकाता वासियों या मैं कहूँ कि पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए यहाँ सारी जानकारी एकत्रित की गई है। आज़ाद हिंद फौज को भारत की जनता अपने आभूषण बेच कर, ग्वाले जो थे वो अपनी गाय और भैंस बेच कर उन्हें सहयोग दिया करते थे, इस बात की चर्चा आपको इस प्रदर्शनी में लिखित रूप में दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो यहाँ पर लिखा गया है।
कि यह प्रस्तुति नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है, यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियां संकलित की गई हैं। वो नेताजी जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उनके पराक्रम, उनके साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी है कि नेताजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी, देश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेताजी के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। Indeed, the Congress had adopted the motto of Purna Swaraj under the presidentship of Netaji Subhash Chandra Bose. And one must understand the relationship that he had with Gandhiji, even though he defeated the candidate of Gandhiji in the elections for the Congress president's post. He respected Gandhiji very much, and he even said that he has never seen a leader ever who had the kind of mass appeal that Gandhiji had. But he deferred with Gandhiji on the process of achieving independence of the country, and he did not quite believe that that was non-violence was enough to win independence. You needed to have more than non-violence, and that is why he started the Forward Bloc. And we can see that this is a projection on the walls of the inner walls of the Victoria Memorial, which are all white. And these walls depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Forge when he was out of the country, when he had escaped from the country, when the British were after him on charges of sedition. मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है, बट यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे आज़ाद हिंद फौज के, डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थी, और उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है, और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा, और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया, और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी
सिर्फ वीर ही नहीं सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940 and reached Germany in 1941. And in fact, there is the headlines, there is a capture of the headlines of the Hindustan Times on the day that he disappeared. And it says that Netaji Bose disappears, Subhash Bose disappears. And, you know, the headlines say it all. And of course, the items mention that, you know, that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then his advocates were trying to plead in court about his disappearance, and they had, you know, they said that he's nowhere to be found. And he was, of course, on his way to Germany. And in Germany, he established the Free India Center, the Azad Hind Radio, and from Berlin, he himself used to broadcast. और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद पहुंचे हैं और यहां पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए। और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे होड़ लगी है। लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना आज़ाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं, वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए गेछे। एबारे तार उपस्थितिते, विशिष्ट जनेर उपस्थितिते होते चलेछे एकटी स्वल्प समयेर सांस्कृतिक अनुष्ठान। संगीतेर उद्दीपन शक्तिते विश्वास करतेन नेताजी। ब्रिटिश साम्राज्यवादेर बिरुद्धे संगीतके तिनि करेछिलेन हाथियार। তার বিখ্যাত কুচকাওয়াজের গান আজও কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রক্তের স্পন্দনকে দ্রুততর করে। সেই প্রেক্ষাপটেই এবারে সাংস্কৃতিক নিবেদন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন আমাদের বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুলের 125 জন ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আছেন বিশিষ্ট শিল্পী পাপন, পদ্মশ্রী উষা উত্থুপ এবং সৌম্যজিৎ ও সৌরেন্দ্র, যাদের পরিকল্পনায় নিবেদিত হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইনহোনে জো কাহা ও মে সরল হিন্দি মে বতানে কি কোশিশ করতা হুম। আব হাম লেকে আয়ে হ্যায় এক ছোটা সা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আপ লোগোঁ কে লিয়ে। আপ লোগোঁ কো শায়েদ মালুম নাহি হ্যায়
कि नेताजी अपने पराक्रम के साथ संगीत में भी विशिष्ट रुचि रखते थे। हमारे साथ मंच पे हैं 125 बच्चे जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं एक सुंदर सा गान लेके। साथ में हैं मशहूर गायक पापोन, पद्मश्री श्री उषा उत्थप जी और सौम्यजीत और सुरेंद्रो जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है। पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह संगीत श्रृंखला बहुत पसंद आएगी।
सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी जाने हिंद है सुभाष शान हिंद है सुभाष जाने हिंद है सुभाष शान हिंद है सुभाष आन हिंद है सुभाष मान हिंद है सुभाष जी जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद वो शान हिंद आ गए सुभाष जी दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया इन द फर्स्ट प्लेस आई डिजायर टू थैंक यू मोस्ट हार्टली फॉर द वार्म एंड एंथुसियास्टिक वेलकम that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia. And for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. You walk on all alone. You walk on all alone. Mm-hmm.
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Jodi tor dak shuni keu na তবে একলা চলো রে, যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light, if no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and in the blazing light you walk alone. Jodi tor dak shuni kyu na আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। देश को सलाम सलाम, देश को प्रणाम प्रणाम,
ঘন ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্ম। সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, ও তার পাখির ডাকে ভূমি পড়ে, পাখির ডাকে জেগে সবাই মিলে একসাথে। এমন দেশি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের এরপরেই শুরু, আমরা অপেক্ষা করব মঞ্চে আসনগুলি নিয়ে আসার জন্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন, ভারত সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবহন মন্ত্রী, এরা সকলে মঞ্চে উঠলে আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের সূচনা করব।
সেই সঙ্গে বলে রাখি যে আজকের এই পড়ন্ত বিকেলটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণে স্মরণস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। এরকম একটি সৌধ, এই সৌধর প্রেক্ষাপটে আজকে এমন একজন মহান জননায়কের আমরা 125তম জয়ন্তী পালন করছি। আমরা অপেক্ষা করছি মঞ্চটি প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্যে, এবং মঞ্চ প্রস্তুত হলেই আমরা আমন্ত্রণ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনকে মঞ্চে আসার জন্যে। তো স্বাগত হ্যায় মঞ্চ পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি কা, তালিয়ো সে স্বাগত কিজিয়ে। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনকর জি কা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি কা, সেই সঙ্গে ভারত সরকারের অপর দুই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয় শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। আমরা একদম শুরুতেই অনুরোধ জানাব ভারত সরকারের সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্য। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से संबोधन करें। पूज्य नेताजी के 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदैव प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहाँ उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, INA के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, BN पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है संस्कृति मंत्री होने के नाते कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी तब मैंने एक बात मेरे मन में आई, मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उनके जन्म स्थान पर कटक में भारत के पेट्रोलियम मंत्री
आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। हरिपुरा गुजरात में जहां पर नेताजी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यहां पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं आज के दिन इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूँगा। नेताजी ने कहा था एक समय कलकत्ता से दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करने की बात कही थी। जब संकल्प सकारात्मक और शक्ति वाला होता है, शायद इसी को पराक्रम कहते हैं। आज स्वयं दिल्ली कलकत्ता की धरती पर आकर नेताजी के चरणों में नमन कर रही है। मुझे लगता है यही आज के दिन की सफलता है। मैं फिर से सभी मंचस्थ अतिथियों का और सामने बैठे हुए हमारे उन जीवित स्मारकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद जानाई माननीय मंत्री के। एबारे पश्चिमबंगेर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাব তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री মমতা ব্যানার্জি का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती মমতা ব্যানার্জি को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এইবারে আমরা একে একে কিছু উদ্বোধনে যাব। 1926 থেকে 1938 এই সময়কালে নেতাজির লেখা মহামূল্যবান চিঠির সংকলন করা হয়েছে একটি গ্রন্থের আকারে। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাষায়, নেতাজির চিঠিপত্র নামাঙ্কিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। হিন্দি মেয়ে সরল হিন্দি মেয়ে কহনা চাহুঙ্গা, হম অনুরোধ করেঙ্গে আপ মাননীয় प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि लेटर्स ऑफ नेताजी फ्रॉम 1926 टू 1938 जो तीन भाषाओं में, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी में है, इस किताब का अनावरण करें। এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের মুহূর্তটিকে আমরা করতালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। এরপরে আমরা চলে যাব নেতাজির এই বিশেষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছে একটি স্মারক মুদ্রা। সেই স্মারক মুদ্রাটি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, অনুরোধ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটি জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। ফির সে মাই হিন্দি মে কহনা চাহুঙ্গা, ইস অহম অবসর পর হামারি গুজারিশ রহেগি কি নেতাজি পর ঢালি সিক্কে কা লোকার্পণ করেন हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। প্রকাশিত হলো এই স্মারক মুদ্রা। এর পরে আমরা চলে যাব আরেকটি মুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে, এবং এছাড়াও এই 125তম জয়ন্তী উপলক্ষে
একটি বিশেষ ডাক টিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটি প্রকাশের জন্যে আমরা এবারে আবারও অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। 125 জয়ন্তী পর নেতাজি পর প্রকাশিত স্মারক ডাক টিকিট জারি কিয়া যা রা হ্যায় হামারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি দ্বারা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, নেতাজির সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজির অনুপ্রেরণায় তার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখেছিলেন ইংরেজ মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিবেদিত প্রাণ সেই দেশভক্তরা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব এবারে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্যে। হিন্দি মে ফির সে আব ওয়াক্ত আ গয়া হ্যায় নেতাজি দ্বারা বানাই গই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, জিসকো হাম লোগ আজাদ হিন্দ ফৌজ কে নাম সে ভি জানতে হ্যায়, কে দিগ্গজো কো সম্মান করনে কা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে এই বয়োজ্যেষ্ঠ, বলা যেতে পারে লিভিং লেজেন্ডস, আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী তাদের সেই বলেই ডাকলেন নায়ক লালটি রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম নায়ক লালটি রাম। উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন শাল, নায়ক লালটি রামকে। এরপরে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী পূর্ণিমা ধিলো এবং শ্রী সরবজিৎ ধিলো, পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবখশ সিং ধিলোর এক পুত্রবধূ এবং এক পুত্র, মালয়ের যুদ্ধের সেই বিশিষ্ট নায়ক কর্নেল গুরবখশ সিং ধিলো। अब बारी है लेफ्टिनेंट भारती चौधरी, जिनका विवाह के पहले उपनाम था लेफ्टिनेंट आशा सहाय, वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से थी। झांसी बाहिनी आशा, डॉक्टर बी एन पांडे, आईएनएर आरेक पराक्रमी सेनानी। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং এবারে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। আমরা অনুরোধ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে তার এই জন্মজয়ন্তীর, নেতাজির জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করার জন্য। হমে বহুত গর্বিত মহসুস হো রা হ্যায় ইয়ে এলান করতে হুয়ে কি আব হামারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি হমে সম্বোধন করেঙ্গে, উনকা জোরদার তালিয়ো সে স্বাগত কিয়া যায়। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। মঞ্চ পর বিরাজমান পশ্চিম বঙ্গাল কে রাজ্যপাল শ্রীমান জগদীপ ধনখড়জি, পশ্চিম বঙ্গাল কে মুখ্যমন্ত্রী বহন মমতা ব্যানার্জি জি, মন্ত্রিমণ্ডল মে মেরে সহযোগী শ্রী প্রহ্লাদ পটেল, শ্রী বাবুল সুপ্রিয়জি, নেতাজি সুভাষ বোসকে নিকট সম্বন্ধীজন, ভারত কা গৌরব বাড়ানে বালি আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাঁবাজ সদস্য, উনকে পরিজন, ইহা উপস্থিত কলা ও সাহিত্য জগৎকে দিগ্গজ,
और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, माँ शारदा, माँ आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और अध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय,
गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ये ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर
देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति पंथ हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक छे रोकटो डाक दिए छे रोकटो के, ओठो दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे, और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उसे भी परास्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान INA वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। आज यहां इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं, और कब प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सर्वदा आपका कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। साथियों, 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 साल को भी उतने ही धूमधाम से मनाया था। देश ने उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए। नेताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर
लाल किले पर झंडा फहराने का जो सपना देखा था, उनका वो सपना देश ने लाल किले पर झंडा फहराकर पूरा किया। भाइयों और बहनों, जब आजाद हिंद फौज की कैप मैंने लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने अपने सर पे लगाया था, उस वक्त मेरे मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, एक अलग अनुभूति थी। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा था, देशवासियों के बारे में सोच रहा था, वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे। जवाब यही है, हमारे और आपके लिए। वो कई कई दिनों तक आमरण अनशन किसके लिए करते रहे? आपके और हमारे लिए। वो महीनों तक किसके लिए जेल की कोठरी में सजा भुगतते रहे? आपके और हमारे लिए। कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीछे इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत लगी हो, वो जान हथेली पर रखकर फरार हो जाए? हफ्तों हफ्तों तक वो काबुल की सड़कों पर अपना जीवन दांव पर लगाकर एक एम्बेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। विश्व युद्ध के उस माहौल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिश्ते, इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे? ताकि भारत आजाद हो सके, हम और आप आजाद भारत में सांस ले सके, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? साथियों, जब नेताजी सुभाष यहां कोलकाता में अपने 38/2 एल्गिन रोड के घर में कैद थे, जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था, तो उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाकर कहा था, अमार एकटा काज करते पारबे का? अमार एकटा काज करते पारबे? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद शिशिर जी ने वो किया जो भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। नेताजी ये देख रहे थे कि विश्व युद्ध के माहौल में अंग्रेजी हुकूमत को अगर बाहर से चोट पहुंचाई जाए तो उसे दर्द सबसे ज्यादा होगा। वो भविष्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ेगा, वैसे वैसे अंग्रेजों की ताकत कम पड़ती जाएगी, भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी। ये था उनका विजन, इतनी दूर देख रहे थे वो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षिणेश्वर मंदिर भी भेजा था कि मां का आशीर्वाद ले आओ। वो देश से तुरंत बाहर निकलना चाहते थे। देश के बाहर जो भारत समर्थक शक्तियां हैं उन्हें एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युवा शिशिर से कहा था, अमार एकटा काज करते पारबे? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? साथियों, आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करें,
तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमार एकटा काज करते पारबे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा स्वाधीनता आनते पारे ना, आमादेर अवश्य सही उद्देश्य छो कि थाकते होवे जा, आमादेर साहसी काज एवं वीर तपुरोना शोषणे उद्भूत करबे, यानी हमारे पास वो उद्देश्य और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और वीरतापूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे। आज हमारे पास उद्देश्य भी है, शक्ति भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य, हमारी आत्मशक्ति, हमारे आत्मसंकल्प से पूरा होगा। नेताजी ने कहा था, आज आमादेर केवल एक इच्छा थाका उचित, भारते इच्छुक जाते भारते बांटते पारे, यानी हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए, भारत आगे बढ़े। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए जिए, अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाए। नेताजी कहते थे, निजेर प्रोति शात होले सारे, विक्षेर प्रोति केऊ असोध होते पार बेना। अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते। हमें दुनिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ भी कमतर नहीं, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर स्वप्ने कोनो दिन आस्था हारियो ना, बिसे एमुन कोनो शक्ति नहीं जे भारतो के पराधीनानंतर श्रृंखलाए बेगे राखते समर्थ हो बे। यानी आज भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे। सुभाष बाबू कहते थे, आमादेर साबसे बोरो जातियों समस्या होलो दारिद्र्य असी कखा रोग वैज्ञानिक उत्पादन, जे समस्या समाधान होवे केवल मात्रो सामाजिक भावना चिंता द्वारा। अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। मुझे संतोष है कि आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। देश के किसानों को बीज से बाजार तक
आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है, हर एक युवा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश भारत में एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते, उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास है और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, वो है अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवद गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे, तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को यह लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है,
तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। आप सभी अपने प्रयासों में, संकल्पों में सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस पवित्र दिवस पर, इस पवित्र धरती पर आकर के, आप सबके आशीर्वाद लेकर के नेताजी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्प करके आगे बढ़े, इसी एक भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। এবারে অনুরোধ তাকে এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট জনকে, তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে যদি আসন গ্রহণ করেন, কেননা এখন আমরা চলে যাব প্রজেকশন ম্যাপিংয়ে। আরেকবার আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। অন্যান্য বিশিষ্ট জনেদের কাছে অনুরোধ, তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে আসন গ্রহণ করুন। প্রজেকশন ম্যাপিং, দৃশ্যকল্প ও শব্দের মাধ্যমে যে কোনো আখ্যানকে প্রাণবন্ত করে তোলার একটি আধুনিক প্রযুক্তি। নেতাজির অসাধারণ আত্মশক্তিতে ভরপুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরা হয়েছে একুশ শতকের এই প্রযুক্তিতে। আমরা এখন দেখে নেব। তো হিন্দি মে ইসকা অনুবাদ হ্যায়, হাম এক ছোটা সা নয়া কার্যক্রম লেকে আয়ে হ্যায়, जिसका अंग्रेजी में नाम है प्रोजेक्शन मैपिंग। ये एक प्रकाश और ध्वनि के साथ कार्यक्रम है। आप देखिए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। আমি রেডিও আজাদ হিন্দ, স্থানীয় সময় দুটো, ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে ছটা। আমি সেই সময়ের আবিষ্কার যখন শব্দ তরঙ্গে সবার হওয়া শেখেইনি, কিন্তু বেতার হয়েও আমি চোখের পলকে সহস্র মানুষের মধ্যে যোগাযোগের তার জুড়ে দিতাম। প্রত্যেকটি সমাজ, প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেক সভ্যতারই একটি দিশার প্রয়োজন হয়, এবং সেই সভ্যতা যদি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে ব্রতী হয় এবং সেই সময় নিজেদের কথা পৌঁছে দেবার কোনো সহজলভ্য মাধ্যমকে পাশে পাওয়া যায়, মানুষকে জোটবদ্ধ করার উপায় পাওয়া যায়, তাহলে সংগ্রামে গতি আসে। সেই সময় আমি এই কাজটাই করছিলাম। আমি সুভাষ বলছি। আরে, এ তো সুভাষচন্দ্র বসু, কোথা থেকে বলছেন? নেতাজি রেডিওতে বলছেন। কোথায় আছেন উনি? দেশ থেকে অনেক দূরে, কে জানে কোথায় আছেন। উনি বলছেনটা কি? আজ আমরা এবং আমাদের মাতৃভূমি বিশ্ব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি।
আজ আমি সমস্ত স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ততক্ষণ অবধি আপনারা লড়াই করুন যতক্ষণ না আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়। জয় হিন্দ। 1939 বিশ্ব ইতিহাসে এমন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনার সাল, যে যুদ্ধ বিনাশের নতুন পরিভাষা গড়ে দিল। পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাইসরয় ফরমান দিলেন, বিশ্বযুদ্ধ চলাব্দি ভারতীয়রা যেন নিজেদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা না বলে। ফরমানের বিরোধিতায় ভারতের পরগনা পরগনায় কংগ্রেস সরকার ইস্তফা দেওয়া শুরু করল। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ছাড়ার পর নিজের সংগঠনকে মজবুত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর মত ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এখন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। অহিংসা খুবই পবিত্র নীতি, কার্যকরীও বটে, কিন্তু যখন তাতে কাজ হয় না তখন অন্য রাস্তা খুঁজতেই হয়। ভারতের জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ। ব্রিটিশ শাসনের সাথে আর কোনো সমঝোতা নয়। অল পাওয়ার টু ইন্ডিয়ান পিপল। সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করে আবার জেলে বন্দী করা হল। সুভাষের পক্ষে লড়াই করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ সরকার কখনো তাকে জেলে পাঠাত, কখনো বিদেশে নির্বাসিত করত, কখনো বা নজরবন্দি করে রাখত। মাতৃভূমির মুক্তি ছিল সুভাষের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি জেলে বসেই পরিকল্পনা করতে লাগলেন কিভাবে দেশের বাইরে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি আনা যায়। এটাই সঠিক সময়। রাষ্ট্রের লড়াই আমায় এইবার আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে লড়তে হবে। যেভাবেই হোক আমায় জেল থেকে বেরোতেই হবে। হ্যাঁ, আমি আমরণ অনশন করব। জেলের বাইরে আসতে অহিংসার এই অস্ত্রটি খুবই কাজে লাগে। তিনি মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু বাড়িতে নজরবন্দী হতে হলো তাকে। ইউরোপে বিপুল সংখ্যায় যুদ্ধবন্দীরা শরণার্থী হয়ে রয়েছেন। কোনোভাবে তাদের একত্রিত করতে পারলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক বিপুল শক্তি নিয়ে ঝাঁপ দেওয়া যেতে পারে। 1941 জানুয়ারির মধ্যরাতে ভাইপো শিশিরের সহায়তায় গলাবন্ধ শেরওয়ানি, ঢোলা পায়জামা আর অস্ত্রখানি টুপি পরিহিত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন রূপী সুভাষ ভারতের সীমার বাইরে চলে গেলেন। আকবর শাহ নামে এক ব্যক্তি কাবুল অবধি পৌঁছতে সাহায্য করলেন। তারপরে দীর্ঘ যাত্রা পথ অদম্য উদ্যমে তিনি একাই পাড়ি দিলেন। সুভাষ নানান ছদ্মবেশে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কোন রকমে বার্লিন অবধি পৌঁছে গেলেন। যে মাটিতে সুভাষ জন্ম নিয়েছিলেন সেই মাটির মুক্তির জন্য তাকে দেশের মাটি থেকে দূরে চলে যেতে হবে। ১৮৯৭ সালের 23শে জানুয়ারি, যে বছর মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছিল, সেই বছরেই তৎকালীন ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কটক শহরে জন্ম নেন সুভাষ। কালক্রমে যিনি হবেন এই ভিক্টোরিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অন্যতম কাণ্ডারি। ছোটবেলা থেকেই জিজ্ঞাসু মনে নানান প্রশ্ন ভিড় জমাত। বয়স যখন 15, স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই মতাদর্শ তার ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। মাতৃভূমি আরাধ্যা দেবী, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার সহোদর, আর জনশক্তির জাগরণই মুক্তির একমাত্র উপায়। ম্যাট্রিক পাশের পর সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজের উন্মুক্ত ভাবনা চিন্তার আবহাওয়া, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধারা এবং দর্শন তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মনে ভিড় করা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং মন মতো গুরুর দেখা পেতে একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি ছাড়েন যুবক সুভাষ। ভারতের নানা তীর্থে আশ্রমে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। বিচলিত মন শান্ত হলে বাড়ি ফিরে এলেন। গুরুর খোঁজ না পেলেও মন সংশয় মুক্ত হয়েছিল।
মাতৃভূমির মুক্তির চিন্তা তাঁর মনকে আলোড়িত করতে শুরু করে। ঠিক এই সময় পিতা জানকীনাথ তাঁকে ICS পরীক্ষায় অংশ নিতে কেমব্রিজ যাওয়ার আদেশ দেন। মন সায়না দিলেও পিতার আদেশ অমান্য অসম্ভব, তাই ইংল্যান্ডগামী জাহাজে চড়ে বসেন সুভাষ। জাহাজ এগিয়ে চলে, সুভাষ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তার প্রিয় জন্মভূমির দিকে। কেমব্রিজে শিক্ষাবর্ষের মধ্যখানে পৌঁছলেও যোগ দিতে অসুবিধে হল না। মেধাবী এবং পরিশ্রমী সুভাষ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন, কিন্তু মন তখন হাজারো দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। বাবার আদেশ পালন করব না মনের কথা? মাতৃভূমি আমায় ডাকছে, আমায় যেতেই হবে। সবাই আমাকে পাগল বলবে, বলুক, যে যা বলে আমায় বলুক। জন্মভূমির মুক্তির জন্য সমস্ত কষ্ট আমি মাথা পেতে নেব। ICS এ ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসে গান্ধীজির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধীজির পরামর্শ মতো দেখা করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে। প্রথম সাক্ষাতেই সুভাষ বুঝতে পারলেন এতদিনে তার কাঙ্ক্ষিত গুরুর দেখা পেয়েছেন তিনি। সুভাষ চিত্তরঞ্জন দাসের শিষ্য হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আন্দোলনের শুরুর দিনগুলিতে একটি ঘটনা ঘটল। প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত সফরের সময় সুভাষ এবং তার সঙ্গীরা এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। অনেককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, এমন সময় দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হলেন। এই খবর পেয়ে তিনি ভারাক্রান্ত মনে দেশবন্ধুর কাছে গেলেন। বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারই তার মন খারাপের কারণ ছিল না, তার মন খারাপের কারণ ছিল যে তিনি নিজে কেন গ্রেপ্তার হলেন না। অচিরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। সুভাষ এবং দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল। তারপর যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন জেলেই তাকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছে। নতুন পথের দিশারীরা চিরদিন স্রোতের বিপরীতে বেগবতী তরঙ্গের সাথে টক্কর দেন, নতুন পথের নির্মাণ করেন, নতুন পরিচয় তৈরি করেন। মুখের ভাষা পাল্টে দিলে সংস্কৃতি পাল্টে যায়, নাম এবং বস্ত্র পাল্টালে পাল্টায় পরিচয়। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় পরিচয়কে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। সুভাষ নগর নিগম কর্মচারীদের খাদির পোশাক পরিয়ে ভারতীয় মনীষীদের নামে রাস্তাঘাটের নতুন নামকরণ করে ভারতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং পরিচয় ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। সুভাষের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই সুভাষ সরকারের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন এবং বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের মিথ্যে অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সেই জেল যেখানে লোকমান্য তিলক এবং লালা লাজপত রায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকে রাখা হয়েছিল। মান্দালয় জেল নয়, এ যে আমার তীর্থ, আমি আজ তীর্থে এসেছি। মান্দালয় জেল নয়, যাতনা গৃহ ছিল, কাঠের তৈরি খাঁচা ছিল। ঝড় বাদলের দিনে বৃষ্টির জল ভেতরে প্রবেশ করত, বসার বা দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না। ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং নিউমোনিয়ার ঝাপটা সামলে 3 বছর পর সুভাষ এক বলিষ্ঠ নেতারূপে জেলের বাইরে এলেন। ভারতীয় যুবকদের তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করলেন। তাঁর উপস্থিতি যুবাদের উদ্বুদ্ধ করত। গান্ধীজি যখন একান্তে চিন্তামগ্ন, তখন সুভাষ স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। মিল মজুরদের একজোট করলেন, সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করলেন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন করলেন। সুভাষ যুবক এবং শ্রমিকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। ওর উপস্থিতি সভায় উদ্যমের সঞ্চার করত। নিজের পিতার সাথে লড়াইয়ে সুভাষ জয়লাভ করলেও স্বাধীনতার লড়াইতে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রপিতা স্বয়ং। ব্যাস নদীর তীরে যখন স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হল, তখন গান্ধীজি সম্পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব রাখলেন। সুভাষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
আপনি সম্পূর্ণ বহিষ্কারের জন্য প্রস্তুত নন। কাউন্সিলের বহিষ্কারে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। আমার মত, হয় পুরোটাই নয় কিচ্ছু না। যতদিন না দলিত, শ্রমিক এবং বঞ্চিত মানুষ একজোট হচ্ছেন, ততদিন সবিনয় অবজ্ঞা কার্যকর হতে পারে না। গান্ধীজির সবিনয় অবজ্ঞা কর্মসূচি মেনে নেওয়া হলো, কিন্তু মতবিরোধ তৈরি হয়ে গেল। সুভাষ আবার গ্রেপ্তার হলেন। এক বছর পর ছাড়া পেলেও আবার জেলে পাঠানো হলো। মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলে থাকাকালীন শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য তাকে ভিয়েনা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুভাষের মুক্তি ইংরেজ সরকারের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারত। 1938 সালে ইংল্যান্ডে থাকাকালীনই জানা গেল কংগ্রেসের অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন তিনি। নতুন স্বপ্ন এবং উদ্যম নিয়ে গুজরাটের হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করলেন, বন্ধুগণ, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শক্তি নেই যা আজ ভারতকে স্বাধীন হওয়া থেকে আটকায়, এবং আগামী দিনে আমরা তা প্রমাণ করে ছাড়ব। সুভাষ নতুন ভাবনা এবং নবীন উদ্যমের নেতা ছিলেন। তার চোখে ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতের আর্থিক প্রগতি কিভাবে হবে, ভারত কিভাবে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। নিজেরই দলের মধ্যে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল। তার জেরে দ্বিতীয় দফায় সুভাষ আবার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলে কার্যনির্বাহী সমিতির অধিকাংশ সদস্যরা ইস্তফা দিলেন। গান্ধীজি তার সমর্থিত প্রার্থী পট্টাভি সীতারামাইয়ার হারকে নিজের হার বলে দিলেন। গান্ধী এবং সুভাষের মধ্যে দূরত্ব প্রাকারের আকার ধারণ করেছিল। সুভাষ গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু প্রাকার বোঝানো গেল না। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরীতে অসুস্থ অবস্থাতেও যেতে হল। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং দমবন্ধ পরিবেশ। সুভাষ 1939 এপ্রিলে কলকাতা বৈঠকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। কংগ্রেস হারালো তাদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যমী যুবক অধ্যক্ষকে। সুভাষ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। 20 বছরের বেশি সময়ে যেই দলে কাজ করেছেন সেই দলে এত অবিশ্বাস! সেই সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুর বচন তার সন্তাপ দূর করে দিল। যে উষালগ্নে তোমার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ আমি সেই আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পাচ্ছি। তুমি আজ মধ্য গগনের সেই নির্মল আলোয় উদ্ভাসিত, যেখানে শঙ্কার কোনো স্থান নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি দেশমাতৃকার জন্য আশা ও আলোর নতুন বার্তা নিয়ে এসেছ। আগামী লড়াইয়ে হয়তো আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো না, শুধু আশীর্বাদ করি এবং বিদায় জানাই। তবে এই দেখে আশ্বস্ত হলুম যে দেশের বোঝা তুমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ। দেশের স্বাধীনতা ও স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চারের পুণ্যব্রত তুমি নিয়েছ। তাই আমার নৃত্যনাটিকা তাসের দেশ আমি তোমায় উৎসর্গ করলুম। সন 1941, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়। সুভাষ তখন ইউরোপে ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি স্থাপনা করলেন। রেডিওর মতো আধুনিক সঞ্চার মাধ্যমকে সংগ্রামের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন এবং আজাদ হিন্দ রেডিওর সূচনা হল। বন্ধুগণ, ভারতের মুক্তির সময় আসন্ন। ভারত উঠে দাঁড়াবে এবং পরাধীনতার এই শৃঙ্খলকে বিচূর্ণ করে দেবে যা কয়েক যুগ ধরে ভারতকে বেঁধে রেখেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের অন্যান্য দেশ আজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে ছিল। নেতাজি যুদ্ধ চলাকালীন মাসাধিক দীর্ঘ যাত্রা করে সমুদ্র পথে ডুবোজাহাজে জাপান পৌঁছলেন। প্রথম সাক্ষাতেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো নিঃশর্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা
শিখর সমান উচ্চ শিরে নেতাজির এক আদেশে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। হাতিয়ারের শক্তিতে এবং রক্তের বিনিময়ে তোমাদের দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। স্বাধীন ভারতে তোমাদেরই গড়তে হবে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, যারা এমন মজবুত সুরক্ষা বলয়ে ভারতকে ঘিরে রাখবে যাতে আর কোনোদিন ভারতের পায়ে কেউ পরাধীনতার বেড়ি না পরাতে পারে। আমার বীর সৈনিকেরা, তোমাদের একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত দিল্লি চলো। আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন অসম্পূর্ণ। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের অংশগ্রহণ ছাড়া সংগ্রাম অসম্ভব ছিল। সুভাষ রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট গঠন করলেন। এটি আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরাঙ্গনাদের বাহিনী ছিল। ১৯৪৪ মার্চ মাস আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা প্রস্তুত হল। জেনারেল কিয়ানির আদেশের সাথে সাথে জয় হিন্দ এবং দিল্লি চলো স্লোগান দিতে দিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা ইম্ফল আক্রমণ করল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ফৌজিরা ভারতের সীমায় প্রবেশ করে জয়ের পতাকা উত্তোলন করল। ওইখানে আর একটু দূরে নদীর ওই পাড়ে জঙ্গলের প্রান্তে পাহাড়ের অপর সীমান্তে রয়েছে আমাদের স্বপ্নের দেশ। যে মাটিতে আমাদের জন্ম, আমরা সেই মাটির বুকেই ফিরে যাচ্ছি। রক্ত রক্তকে ডাকছে, ওঠো হাতিয়ার সামলাও, এগিয়ে চলো দিল্লি চলো। ইম্ফল মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে ছিল, এমন সময় অসময়ের বৃষ্টি এগিয়ে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এমন বৃষ্টি শুরু হলো যেন আকাশ ভেঙে পড়বে। একে অবিরাম বৃষ্টি, তাই পাহাড়ি এলাকা রসদে টান পড়ল। ব্রিটিশ ও আমেরিকান ফৌজ এগিয়ে আসছিল। আংশিক জয়লাভের পরেও আজাদ হিন্দ ফৌজিদের পিছিয়ে আসতে হলো। আকাশ থেকে আমেরিকান বোমারু বিমান আগুন বৃষ্টি করছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৫,০০০ সৈন্য শহীদ হলেন। নেতাজিকে বাকি ফৌজ নিয়ে ব্যাংককে ফিরে আসতে হল। আমার বীর সৈনিকেরা, লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে আমাদের হার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা আমাদের প্রথম প্রয়াস। সামনে আরো লড়াই বাকি। যেদিন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ইম্ফল এবং কোহিমার লড়াইয়ের পর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শৌর্যময় অধ্যায় শেষ হল। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নেতাজির নির্ভীক অভিযানেরও। কিন্তু মানুষের মনে নেতাজি তখনও জীবিত। ভারতীয়দের এই বিশ্বাস ইংরেজদের মনে ভয়ের সঞ্চার করত। ১৯৪৫ লাল কেল্লায় আইএনএ ট্রায়াল থেকে শুরু করে ১৯৪৬ নৌসেনা বিদ্রোহ অবধি নেতাজির ভয়ে ব্রিটিশদের তাড়া করে গেছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজি এবং তার ফৌজের এই লড়াই ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতার মাধ্যমে সাকার হয়ে পূর্ণ হল। সমগ্র ভারত আজও নেতাজির এই যোগদানের জন্য কৃতজ্ঞ বোধ। আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে এক অদ্ভুত অনুভূতি ভাগ করে নিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথার অনুরণনেই বলবো যে সত্যি নেতাজির সেই আত্মশক্তিতে ভরপুর অভিযান আজ ভারতের আত্মনির্ভরতার অঙ্গীকারে যে পরিণত হয়েছে। যদি আজ নেতাজি থাকতেন, তিনি হয়তো আজ দেখতেন তার স্বপ্ন কীভাবে সাকার হলো। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে এসে আপনাদের সামনে পরিবেশন করতে চলেছি একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট গান। আপনারা জানেন যে ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ সুভাষচন্দ্র বোস প্রতিষ্ঠা করেন আরজি হুকুমত
এ আজাদ হিন্দ, অর্থাৎ দ্য প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া, যার বিশেষ সঙ্গীত হিসেবে নেতাজি মুমতাজ হোসেন এবং কর্নেল আবিদ আজাদ সাফরানির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কবিগুরুর ভারত ভাগ্য বিধাতা অবলম্বনে এই গানটি রচনা করেন শুভ সুখ চেন। আমরা এই গানটি পরিবেশন করব। এই গানটি পরিবেশিত হলে তারপরে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে, এবং দেশের জাতীয় সঙ্গীত যখন পরিবেশন করা হবে বলাই বাহুল্য আমরা সম্মান জানিয়ে উঠে দাঁড়াবো। কিন্তু প্রথমে নেতাজির বিশিষ্ট রচনা, অর্থাৎ কিনা আরজি হুকুমত এ আজাদ হিন্দের অ্যান্থেম শুভ সুখ চেন। তো আইয়ে শুরু করতে হ্যাঁ আয়নে গান সে শুভ সুখ চেন। সেই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, এই গানটি পরিবেশন করবেন সৌম্যজিত আরশাদ আলী খান, সঙ্গে আছেন সোমলতা, অহনা এবং সৈকত। सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए हर तन पाए सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभाना এখানেই শুভ সমাপ্তি। আপনাদের সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। It took about 15 years to build from 1906 to 1921 and it turns 100 years this year. The building has 25 galleries and for 2 years now the building will be devoted to an exhibition on Netaji Subhash Chandra Bose. The exhibition shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage point of Netaji.